अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। आज हम फिर आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं मोहब्बत का आग लगा देने वाला वजीफ़ा। ये वजीफ़ा अगर आप देख रहे हैं तो आप खुश नसीब हैं कि आप ऐसा वजीफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं अमलियात पेश कर रहा हूं कि जो मेरे कई बार के आजमाए हुए होते हैं। हालांकि वैसे मेरा कोई भी वजीफ़ा जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूं वही आप तक पहुंचाता हूं, और आप हजरात को फ़ायदा भी होता है इसका। तो आज का भी वजीफ़ा कुछ इसी तरीके से है जिसे मैंने खुद आजमाया हुआ है। ये दिल में मोहब्बत की आग लगा देने वाला वजीफ़ा है। तावीज़ बना के जला दो और फिर कमाल देखो। ये जो तावीज़ है सिर्फ बना के जला दो और फिर कमाल देखो किस तरीके से ये वजीफ़ा काम करता है। ये वजीफ़ा करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, बनाना भी बिल्कुल आसान है। ये आपको थोड़ा सख्त दिख रहा होगा लेकिन घबराइए नहीं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा अगर आप उस तरीके से इस वजीफ़े को कर लेंगे तो यकीन जानिए कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपका महबूब, आपका मकसद पूरा होगा। जो आपसे रूठ गया है, जो नाराज़ हो गया है, वो आपके पास आ जाएगा। अगर कोई दूर चला गया है या कोई अजनबी है जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसके दिल में मोहब्बत की आग भड़का सकते हैं, यानी कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो सकती है। ये मोहब्बत को पैदा करने का सबसे पावरफुल वजीफ़ा है। आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर आपने हज़ारों अमल किए हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वजीफ़े को करना किस तरीके से है। इसको करने के लिए आपको किसी दिन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको तहारत की भी शर्त नहीं है, जैसे कि अक्सर माहवारी में मुब्तला होने वाली औरतें, ये बच्चियां ये कहती हैं कि हम अभी वजीफ़ा नहीं कर सकते या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तरह तरह से सवालात करती रहती हैं। तो इसमें पाकीज़गी और नापाकी की शर्त ही नहीं है। किसी भी हाल में आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, चाहे पाकीज़ा हो या नहीं हो, नजासत की हालत में भी, पाकीज़गी की हालत में भी इस वजीफ़े को अंजाम दिया जा सकता है। अब इसको वजीफ़े को करना कैसे है? कोई भी आपके घर में कोई कलम हो, पेन हो, किसी भी कलर का पेन हो, वो आप ले लीजिए और एक सादा कागज़ ले लीजिए। सादा कागज़ ऐसा होना चाहिए कि पहले से उसको इस्तेमाल ना किया गया हो, यानी कि उस पर कोई लिखावट, कोई बनावट या किसी भी तरीके का कोई इस्तेमाल उसका ना किया गया हो, बिल्कुल कोरा कागज़ होना चाहिए। लकीरों वाला भी कागज़ नहीं होना चाहिए। लकीर जिसमें खींची होती है वो कागज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद में इस तरीके से आपको बना लेना है, फिर इस तरीके से करना है, फिर यहाँ से इस तरीके झुका देना है। उसके बाद ये तो बना हुआ है ये बनाना है, फिर ये दो चश्मी है बनाना है, उसके बाद में इसके ऊपर दो लिखा है, नौ लिखा है, ये लिखना है, फिर तीन लिखना है, फिर पांच लिखना है, फिर ये चार लिखा है, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, ये लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप ये नक्श बना लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको मतलूब का नाम लिखना है, जिसको तलब करना है उसका नाम नीचे लिखना है, उसके बाद में ही आपको अपना नाम भी लिख लेना है। उसके बाद में इस तावीज़ को आपको जला देना है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर देखना है कि आपको किस तरीके से इसका असर देखने को मिलता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।